ओके, गुड इवनिंग टू यू ऑल. हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नथिंग बट द एक्सपायरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन चैप्टर, जो हम टारगेट 2022 के लिए कर रहे हैं, राइट? सो 7 PM को हम टारगेट 2022 करते हैं, और यहाँ पे आज हम जो आपका एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है उसका तीसरा पार्ट, थर्ड लेक्चर पे हम आ चुके हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ आर थर्ड टॉपिक ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन. बिफोर आई डू सो, आई वेलकम यू ऑल टू नीट वॉया चैनल, अ चैनल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनकैडमी. एंड आप जैसे कि सब आपको पता है कि नीट वॉया चैनल पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, दैट इज गेट सेट गो सीरीज. तो आप इस सीरीज पे भी आ सकते हो, जहाँ पे आपकी रिविजन सीरीज चल रही है फॉर टारगेट 2020, राइट? आपकी एग्जामिनेशन अभी आने ही वाली है, बस कुछ दिन बचे हुए हैं. सो फॉर टारगेट 2020 रिविजन सीरीज आपका चलता है, राइट? सुबह 9 बजे से लेके आपके दोपहर के 1 बजे तक. सुबह 9 बजे आपका सबसे पहले आता है जूलॉजी के लिए, मैं आती हूँ स्वागता. हेलो अनिकेत, नाइस टू सी यू हियर. देन यू हैव 10 AM बॉटनी, देन यू हैव 11 AM फिजिक्स रिवीजन, एंड 12 PM को आपकी केमिस्ट्री की रिवीजन होती है. जैसे कि टुमारो आपका 9 AM को जो रिवीजन जिस चैप्टर का होने वाला है वो है सर्कुलेशन चैप्टर. आप सबको पता है कि हम ऑपोजिट वे से जा रहे, उल्टा साइड से आ रहे. हमने 12 के सारे डिस्कस कर लिए चैप्टर्स, अब 11 के चैप्टर्स भी शुरू हो चुके हैं, राइट? जिसमें से कुछ चैप्टर्स हमने कर लिए हैं पीछे के, तो पीछे से आगे की तरफ आ रहे. अब सर्कुलेशन बचा हुआ है, तो कल हम सर्कुलेशन का रिवीजन करने वाले हैं, राइट? अनकैडमी चैनल पे आपका एक और यूट्यूब पे चैनल आ रहा था, दैट्स योर जस्ट इंग्लिश चैनल, एंड दैट्स गोइंग टू स्टार्ट टुमारो 5th September टीचर्स डे के दिन. ये चैनल शुरू हो रहा है, जो अगर आपकी कोई रिलेटिव है, आपके भाई बहन है जो 6th to 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, एंड दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देर इंग्लिश वोकैबुलरी, सो दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस चैनल. वो इस चैनल को देख सकते हैं. ये चैनल कल लॉन्च हो रहा है 5th September को, राइट? हेलो सुमित, नाइस टू सी यू एज वेल. I am Swagata Mukherjee, and I have more than 5 years of teaching experience, and I have taught in major offline institutions of India. And while teaching there, I have produced many, many results, and I have produced many AIR rankings as well. My students are still pursuing their higher degrees in certain renowned institutions like AFMC, ICER Pune, and major MBBS colleges of India, and also AIIMS. I have also worked as a JRF. I have done research in IISc Bangalore, and then I joined academic team here. तो मैं आपको मेरा जो कल स्पेशल क्लास का टाइम टेबल है, लेट मी टेल यू द टाइम टेबल फॉर टुमारो 5th September. मेरी टाइमिंग हमेशा 4:30 होती है ना. मैं अभी क्या कर रही हूँ यहाँ पे स्पेशल क्लास में, आपकी 2020 के लिए मॉक टेस्ट करा रही थी. तो सारे चैप्टर्स के हो चुके हैं मॉक टेस्ट, सिवाय आपके एनिमल किंगडम बची हुई है, प्रेरी प्लैनेट अमेरिकाना, जो आपकी कॉकरोच है वो बचा हुआ है, प्रेरी प्लैनेट अमेरिकाना एंड एनिमल टिश्यू, तो ये भी आपका होने वाला है, राइट? उसके बाद हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी यहाँ पे करने वाले हैं. तो यू कैन कम फॉर माई स्पेशल क्लास टुमारो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अब आपको आना क्यों है? एज वी ऑल नो कि अनकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो आपकी लाइव क्लासेस चलती है, इट्स एग्जैक्टली लाइक योर लाइव क्लासेस दैट इज गोइंग ऑन हियर ऑन द यूट्यूब, बट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ एडवांटेज देयर. हेलो रशिता, गुड इवनिंग टू यू एज वेल. वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यू कैन कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द टीचर ड्यूरिंग द लाइव क्लास. आपको कोई भी क्वेरीज है आप उस टॉपिक पे पूछ सकते हो, और आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी. वहाँ लाइव पोल्स भी क्रिएट होते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज और लाइव पोल्स जो चलते हैं, आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ मैं लाइव पोल्स क्रिएट करती हूँ, जो आपके नीट पैटर्न में ही होती है. तो आपको ABCD में से राइट ऑप्शन चूज करना है, और आपका नाम लीडर बोर्ड पर आ जाएगा. उस लीडर बोर्ड को मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, आप अपनी परफॉर्मेंस लाइव देख सकते हो. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जो एक सबसे बेस्ट फीचर है अनकैडमी का, ये भी हो रहा है. जैसे आपकी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कल एक हुई थी थर्सडे को, राइट? नेक्स्ट एक आपका यूजुअली मैं थर्सडे एंड संडे को लेती हूँ. इस संडे प्रोबेबली मेरी क्लासेस नहीं होगी, तो मैं हो सकता है कि कल ही डाउट सेशन ले लूँ. मॉक टेस्ट के तुरंत बाद मैं एक और स्केड्यूल करने वाली हूँ, राइट? ओके, ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनकैडमी प्लेटफॉर्म के. और अनकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए और मेरे स्पेशल क्लास में आने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके, राइट? हाँ जी, नो देयर वोंट बी एनी क्लासेस टुमारो फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रशिता, बिकॉज टुमारो आई विल बी टीचिंग एट अराउंड 3 PM फॉर टारगेट 2021 इवोल्यूशन का 4th टॉपिक हमें करना है कल. नाउ सो एज आई वाज सेइंग कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप प्लस पे क्लिक कर सकते हो. स्पेशल क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप बिल्कुल यहाँ पे आसानी से आ सकते हो. प्लस आपको क्यों लेना है? क्योंकि 14 September से मेरी प्लस पे क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आप बिल्कुल वहाँ आ जाइए. आपके ठीक नीट के बाद नया थ्योरी क्लासेस शुरू होगा 11th के लिए, तो यू कैन कम फॉर प्लस. और बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, बहुत ही अफोर्ड कर सकते हो आप बहुत ईजिली उसको. प्लस पे क्लिक करना है, नीट UG पे क्लिक करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन.
वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन आपके पास कुछ ऑप्शंस आएगा. पहले आप 1 ईयर या 2 ईयर का ले सकते हो. 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स. अगर आप 2021 में आप ईयर कर रहे हो तो आप ये ले सकते हो 2,500 पर मंथ, दैट वुड बी अराउंड 27,000 फॉर एन एंटायर ईयर. अगर आप 2022 में आप ईयर कर रहे हो तो 2 साल है, आप 2 साल का ले सकते हो 1,500 पर मंथ. तो 2 सालों तक अगर आपने 1,500 दिया पर मंथ, दैट वुड बी अराउंड 30,400. इनमें से कोई भी प्लान आप ले लीजिए, आपको 10% बिल्कुल ऑफ मिल जाएगा. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपने मेरा जो ये नाम है SWAGETA स्वागता, इसको एज अ कोड अप्लाई किया तो. सो वंस यू अप्लाई दिस कोड, यू कैन अवेल दिस 10% डिस्काउंट ऑफर जो आपका है इसमें, राइट. टेलीग्राम में भी हमारा ग्रुप है. हेलो एवरीवन. ओके हेलो मार्वल, नाइस टू सी यू ऑल हियर. टेलीग्राम ऐप में भी हमारा ग्रुप है एंड दैट इज योर नीट बॉय चैनल ग्रुप. सो यू कैन जॉइन दिस चैनल, दिस नीट टेलीग्राम ग्रुप टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी क्लासेस, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड पार्ट ऑफ ए फ्री प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन. कल हमने क्या पढ़ लिया था, व्हाट डिड वी डिस्कस यस्टरडे. वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन, किडनी का स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स हम पहले ही पढ़ चुके थे. कल हमने पूरा कॉम्पोजिशन देखा था निफ्रॉन के हर एक पार्ट का, किस तरह के सेल्स उसमें प्रेजेंट होता है, PCT, DCT, लूप ऑफ इनले एंड सो ऑन. आज हमें पढ़ना है कि वॉट एग्जैक्टली आर वी एक्सक्रीटिंग आउट. हमने जो इतना सब कुछ पढ़ लिया है, वी टॉक्ड अबाउट योर किडनी, ये किडनी का स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन, बट हमें क्यों चाहिए किडनी, वाई डू वी हैव दिस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, टू एक्सक्रीट समथिंग आउट. सो इफ यू रिमेंबर एट द बिगनिंग ऑफ दिस टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूरियोटेलिक है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वी आर ऑल यूरियोटेलिक. तो क्योंकि हम यूरियोटेलिक है, यूरिया रिलीज कर रहे हैं. ये यूरिया आया कहाँ से, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी इस ऑन द अर्थ, दे आर एक्सक्रीटिंग समथिंग एंड दोज थिंग्स आर नाइट्रोजनस वेस्ट. वो हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट ही होता है. तो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, सो वी ऑल नो दैट वी आर यूरियोटेलिक. अब ये यूरिया आया कैसे, क्या हमारी बॉडी ने सबसे पहले यूरिया ही बनाया था, नहीं, सबसे पहले हमारी बॉडी में अमोनिया बना था. लेकिन अमोनिया हम रिलीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अमोनिया की रिलीज के लिए यू ऑल नो वी रिक्वायर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. इतना वाटर तो हम पीते भी नहीं है, और अगर हमने अमोनिया रिलीज करना शुरू कर दिया सो वी विल डाई ऑफ डिहाइड्रेशन. क्योंकि हम एक्वेटिक एनिमल नहीं है, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन के लिए हम यूरियोटेलिक बने हैं, राइट. यूरियोटेलिक क्यों है, फॉर टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन, सो दैट वी कैन कंजर्व वाटर. हमें वाटर को बचाना है, अपने बॉडी में रखना है, ताकि हम डिहाइड्रेट ना हो, राइट. तो उसके लिए वी आर यूरियोटेलिक. अब ये यूरिया बना कैसे, ये सबसे पहले बनता है आपकी बॉडी में अमोनिया से. तो आपकी बॉडी ने अमोनिया बनाया है, कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट. सो विल टॉक एंटायरली अबाउट यूरिया साइकिल, व्हाट एग्जैक्टली यूरिया इज, कैसे बना है, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ यूरिया साइकिल का एक दूसरा नाम है, एज यू कैन सी हियर, व्हाट इज द अदर नेम, द अदर नेम इज नथिंग बट योर ऑर्निथिन साइकिल भी हम इसको बोलते हैं, राइट. द अदर नेम ऑफ यूरिया साइकिल इज ऑर्निथिन साइकिल. समटाइम्स ऑल्सो इसको हम क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. हम इसको कभी कभी क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो यूरिया साइकिल है वो क्रेब्स साइकिल से जाके जुड़ती है एक पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ. तो आपको हैंड ड्रॉन चार्ट भी मिल जाएगा. नाउ सो ऐसा इज सेड कि जो यूरिया साइकिल, इट्स अ साइकिल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस यूरिया फ्रॉम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ये है NH2 holds 2 and CO. So this is the formula of urea. और ये कैसे बना urea? From ammonia. तो इसको किससे बनाया गया है, कहाँ से बनाया गया है, आपकी ammonia से, जो मैंने आपको अभी बताया कैसे बना. और ये जो ammonia है ये कहाँ से आया, ये भी हमें देखना है, right? So we'll talk about that as well. तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. जैसे कि हम सबको पता है, द यूरिया साइकिल अकर्स, द साइकिल दैट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म हु आर रिलीजिंग और एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. वी ऑल नो दिस पॉइंट. द यूरिया साइकिल कन्वर्ट्स हाईली टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन. जैसे कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में, जैसे आपकी एक्वेटिक एनिमल के अंदर ये बन रही है आपकी NH3+ अमोनिया, ये हमारे बॉडी में भी बनती है. लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे कि हम लोग टेरेस्ट्रियल है, बर्ड्स टेरेस्ट्रियल है, लिजार्ड टेरेस्ट्रियल, राइट. सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कन्वर्ट्स हाईली टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया और यूरिक एसिड. तो इन
दोनों में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यूरिया में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हम लोग करें। यूरिक एसिड में आपके बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ये यूरिक एसिड में इसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। क्यों? टू कंजर्व वाटर। फर्स्ट पॉइंट वुड बी टू कंजर्व वाटर, ठीक है, कंजर्व वाटर। एंड नंबर टू रीजन वुड बी फॉर नथिंग बट टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। इन दोनों चीजों की वजह से ही हम इसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म यू एमोनिया को एमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं करते, राइट। सो यस, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की वजह से भी हम ये काम कर रहे हैं। ना द यूरिया साइकिल, एज आई सेड, ये कन्वर्ट करता है हाईली टॉक्सिक अमोनिया इंटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन, और यूरिक एसिड इन केस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। Now the cycle was first metabolic cycle to be discovered by Hans and Henslet, आपकी Hans Krebs and Kurt Henslet, इसीलिए इसको हम Krebs Henslet cycle भी बोलते हैं, right? और ये जो आप ये जो Krebs cycle पढ़ते हो ना botany में, right? CTA जो ये TCA जिसको बोलते हैं, इस cycle को discover होने के 5 साल पहले ही यूरिया cycle discover हो चुका था। उसके बाद इसके connection के साथ Krebs cycle पता चली थी कि कैसे होती है Krebs cycle, राइट। ओके, सो द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस प्राइमरी इन द लिवर। अब ये जो यूरिया बन रही है कहाँ पे बन रही है, कौन से ऑर्गन में बन रही है, हमें पता तो है कि किडनी रिलीज करती है, दैट वी ऑल नो, लेकिन बनाया किसने है इस यूरिक एसिड को, यूरिया को? लिवर ने बनाया है। तो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द ऑर्गन जहाँ पे आपकी यूरिया सिंथेसिस होती है, और वो यूरिया इज देन कैरीड टू द किडनी एंड इज देन एक्सक्रीटेड आउट। अब ये प्रोसेस कैसे होता है वो भी हमें पढ़ना है। Now, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमें यूरिया बनाने के लिए वी नीड दिस, ये कहाँ से बना है अमोनिया, द अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। तो अब हमारी बॉडी में एक तरह का प्रोसेस होता है लिवर में, वी कॉल इट एज डीएमिनेशन। आई होप यू नो व्हाट इज डीएमिनेशन, जहाँ हम रिमूव करते हैं अमाइनो ग्रुप। सो डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। आप सबको पता है कि अमाइनो एसिड जो है वो किससे बनी हुई होती है। इफ यू सी द फॉर्मूला ऑफ एन अमाइनो एसिड, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एन अल्काइल ग्रुप हियर, देयर इज एन हाइड्रोजन ग्रुप हियर, देयर इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप हियर, एंड देयर इज एन अमाइनो ग्रुप हियर। तो इस अमाइनो ग्रुप को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कहाँ पे होता है ये डीएमिनेशन प्रोसेस? व्हेन यू आर रिमूविंग द अमाइनो ग्रुप, इट अकर्स इन द लिवर। इस लिवर पे ही डीएमिनेशन प्रोसेस चलती है। अब ये आपको क्या मिल गया, रिमूव करने के बाद आपको एक फ्री अमाइनो ग्रुप मिला है। इस अमाइनो में आपकी H प्लस आयंस ऐड हो जाती है एक, है ना, इसके साथ रिएक्ट करी, यानी यू विल गोइंग टू गेट नथिंग बट दिस। अगर H प्लस आयन ने रिएक्ट किया, यू विल गेट नथिंग बट NH3 प्लस। तो यहाँ से आई है अमोनिया आपके पास, राइट। अब ये जो अमोनिया है आपकी, वी नो दैट दिस इज टॉक्सिक, तो हमें इसे यूरिया में कन्वर्ट करना है। वो कहाँ चल रहा है? वो भी आपकी लिवर में ही हो रही है। तो सबका सेंटर पॉइंट यहाँ पे लिवर ही है, राइट। ओके, राइट। नाउ एज लेट सी कि ये लिवर का काम क्या है और ये कैसे करता है। नाउ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म रिजल्ट इन टू वेस्ट अमोनिया, एंड ऑल एनिमल्स नीड अ वे टू एक्सक्रीट दिस प्रोडक्ट। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और एमोनोटेरिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट अमोनिया विदाउट कन्वर्टिंग इट, बट जो बाकी है वो मैंने अभी आपको बोला, या तो यूरिया या यूरिक एसिड में उसको कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब हमें पढ़ना है कि पूरी यूरिया साइकिल किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है, लेट मी राइट इट हियर। आपका कहाँ पे चल रहा है यूरिया साइकिल? इट इज अकरिंग इनसाइड योर लिवर सेल। तो लिवर सेल्स क्या है आपकी? आपके पास एक लिवर सेल है जिसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट। तो चलो यहाँ पे हम लोग हेपेटोसाइट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक हेपेटोसाइट बना लिया है। वी ऑल नो कि हेपेटोसाइट ऑलमोस्ट हेक्सागोनल शेप की होती है, राइट। सो सपोज दिस इज योर हेपेटोसाइट, और यहाँ पे हेपेटोसाइट का न्यूक्लियस मैंने बना लिया। तो चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं हेपेटोसाइट, ठीक है। हेपेटोसाइट है, उसके न्यूक्लियस है। अब आपकी बॉडी ने क्या बनाया है? आपकी बॉडी ने सपोज ये बनाया है, ठीक है, NH4 प्लस अमोनिया आयन। ये अमोनिया आयन कहाँ से आया था? अभी मैंने आपको बताया डीएमिनेशन की वजह से, मेटाबॉलिकल प्रोसेस की वजह से आपके बॉडी में अमोनिया आयन बना है। अब ये अमोनिया जो है ये धीरे धीरे आपकी हेपेटोसाइट के अंदर एंटर हो जाएगा। इसके आगे के प्रोसेस क्या है वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं आपकी, द एंटायर प्रोसेस कन्वर्ट्स टू अमाइनो ग्रुप्स
वन योर NH4 से, ठीक है, NH4 प्लस से, एंड द अदर वन फ्रॉम एस्पार्टेट से. एस्पार्टेट क्या है? एस्पार्टिक एसिड, दैट इज ऑल्सो अमाइनो एसिड, वहां पे भी आपकी अमाइनो ग्रुप होगी. तो दो अमाइनो ग्रुप, एक आपकी जो NH4 प्लस से मिलती है और एक आपकी जो एस्पार्टेट से मिलती है, राइट. एंड अ कार्बन एटम, आपको ये CU कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयंस. वी ऑल नो की बाइकार्बोनेट आयंस बनी कैसे थी आपकी, यू नो वी ऑल नो कि आपकी जो एच योर CO2 था, इट हैज रिएक्टेड विथ वाटर टू गिव यू H2CO3, और H2CO3 से बाइफोकेट फिर डिवाइड हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+ आयंस, राइट. तो ये उल्टा प्रोसेस भी होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल है, तो इससे आपको CO2 मिल जाता है. ये CO2 प्लस आपकी अमोनिया जो है, अमोनिया आयन, ये दोनों एक साथ जुड़ के आपको एक कंपाउंड देती है और वहां से आपकी यूरिया साइकिल शुरू होती है. और इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए यू रिक्वायर 3 ATP, सो 3 ATP की भी जरूरत होती है. सो प्लीज रिमेंबर, ये बहुत जरूरी है. ये जो भी हम लोग थियोरिटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, ये चीज मैं आपको डायग्रामेटिक वे में भी समझाने वाली हूँ. नाउ यूरिया साइकिल में मेनली आपके 5 मेन स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप, और यही 5 स्टेप मैं आपको आज बताने वाली हूँ यहाँ पे, राइट. ओके, नो अनिकेत, आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प इट, आई कैन नॉट चेंज बिकॉज इट इज नॉट इन माई हैंड. आई कैन टॉक टू द अथॉरिटीज, अगर उन्होंने किया तो विल आई लेट यू नो. ठीक है, लेट्स सी हियर कि कैसे 5 मेन स्टेप्स में हमने इसे कन्वर्ट किया है. नाउ द फर्स्ट इज नीडेड फॉर अमोनिया टू एंटर द साइकिल. फर्स्ट स्टेप में द अमोनिया एंटर करेगा साइकिल में, एंड द फॉलोइंग 4 आर पार्ट ऑफ द साइकिल इटसेल्फ. क्या है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पे मैं देखा देती हूँ आपको, ठीक है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये NH4 आपके हेपेटोसाइट में एंटर कर रहा है, जैसे ही ये एंटर करेगा सबसे पहले ये अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा. सपोज यहाँ पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो सपोज दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया हियर, ठीक है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर होगी. लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके हेपेटोसाइट के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर ये एंटर हो जाएगी. एंटर होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, जो बाइकार्बोनेट आयंस थे दे शोड रिवर्स रिएक्शन, मैंने आपको अभी वो रिएक्शन समझाया था. लेट मी राइट इट अगेन वंस अगेन फॉर यू इफ यू हैवंट अंडरस्टूड. देखो आपके पास H2O है सेल के अंदर, उसके साथ कार्बन हमेशा रिएक्ट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ योर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एक एंजाइम है जो आपको क्या देती है, कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड फिर से डिसोसिएट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू गिव यू एन H+ आयंस एंड एन बाइकार्बोनेट आयंस. तो अभी आपके हेपेटोसाइट के पास बाइकार्बोनेट आयंस से ये बाइकार्बोनेट उल्टा रिएक्शन शो करके आपको फाइनली CO2 दे देगी, और ये CO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके अमोनिया आयन के साथ. जैसे ही ये रिएक्ट करेगी आपको क्या यहाँ पे मिलने वाला है, देयर विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ योर 2 ATP, 2 ATP यहाँ पे यूटिलाइज होगा आपका, दे विल बी कन्वर्टेड और हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 ADP, ठीक है. तो 2 ATP आपने यही यूज कर लिए और एक बचा हुआ है, मैंने बोला था ना 3 ATP यूज होता है यहाँ पे, राइट. लेट्स सी हियर, जैसे यूटिलाइजेशन होगा आपका एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल एंजाइम जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही है, द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज नथिंग बट कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस वन. ये जो एंजाइम है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट है, और ये क्या करने वाली है, ये इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगी और इट विल गिव यू नथिंग बट कार्बोमोइल फॉस्फेट. तो आपको क्या मिल गई यहाँ पे, यू गॉट नथिंग बट कार्बोमोइल फॉस्फेट. अब ये जो कार्बोमोइल फॉस्फेट है आपके पास, लेट्स सी हियर कि इसके साथ क्या होगा. लेट मी ड्रॉ द माइटोकॉन्ड्रिया वंस अगेन, क्योंकि थोड़ा छोटा हो गया था, मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए इसके लिए. ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज, एंड करेक्ट. अब ये कार्बोमोइल फॉस्फेट आई, ये आके पहला आपके यूरिया साइकिल में एंटर होगा. आपको अभी बताया गया था कि 5 स्टेप है, तो पहला स्टेप तो हमने यहाँ पे देख लिया है, नंबर 1 स्टेप तो आपने यहाँ पे देख लिया है, जो कार्बोमोइल फॉस्फेट ने NH4 और CO2 को कन्वर्ट किया है इनटू कार्बोमोइल फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ नथिंग बट कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1. ये अभी आपकी यहाँ पे
कन्वर्ट हो चुकी है. नाउ वी नीड टू सी कि ये जो आपकी कार्बोमोइल फॉस्फेट है, नाउ दिस इज गोइंग टू एंटर योर यूरिया साइकिल. कहाँ है यूरिया साइकिल? अब आया यूरिया साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. देयर वाज अनदर मॉलिक्यूल हियर दैट वाज योर ऑर्निथिन. ये ऑर्निथिन जो कंपाउंड है इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू साइट्रोलिन, बट विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन दैट सॉरी एन एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन योर माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम को मैं काम करती हूँ रेड कलर से लिखती हूँ. उस एंजाइम का नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज. सो दिस इज एन एंजाइम दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट योर ऑर्निथिन इन टू साइट्रोलिन. तो दिस इज योर फर्स्ट एंजाइम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया जो आपकी यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही है. अब आप पूछोगे कि मैम कार्बोमोइल फॉस्फेट भी तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रही थी. हाँ वो कर रहा था, बट वो यूरिया साइकिल का पार्ट नहीं था. उसने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और NH4+ को कन्वर्ट किया इनटू कार्बोमोइल फॉस्फेट में. तो ये पार्टिसिपेट अभी तक की नहीं है यूरिया साइकिल में, ये पार्टिसिपेट कर रहा है राइट कार्बोमोइल फॉस्फेट. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. टू एंटर द साइकिल अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोमोइल फॉस्फेट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड द यूरिया साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 एंजाइमेटिक रिएक्शन. 4 एंजाइम की रिएक्शन होती है. 1 इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर आर 3 प्रेजेंट इन द साइटोसोल दैट इज साइटोप्लाज्म. तो 1 वाला तो हमने देख लिया कि ये 1 वाला क्या है. वी जस्ट सॉ दिस इज द नंबर 1. बट ये स्टेप कौन सा है? दिस इज योर सेकेंड स्टेप. यहाँ पे आपकी सेकेंड स्टेप चली. 5 स्टेप में हमें कंप्लीट करना है. अब ये साइट्रोलिन जैसे ही बन गई ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगी. कहाँ पे आ गई? साइटोसोल में. दिस इज द साइटोसोल हियर. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज साइटोसोल या साइटोप्लाज्म. अब साइट्रोलिन जो आपकी है यहाँ बाहर आ चुकी है. ठीक है, अब ये जो साइट्रोलिन है इट इज नाउ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ हेपेटोसाइट को, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए हमें, है ना. हाँ जी, तो ये आपकी हेपेटोसाइट को मैंने, चलो थोड़ा और स्पेस मिल गया हमें. ठीक है, नाउ सो लेट्स सी हियर. हेलो एवरीवन, हेलो अल्बर्ट. चलो नाउ दिस साइट्रोलिन हियर, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हेपेटोसाइट में चल रही है. हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के ये आपके साइटोप्लाज्म में आ चुकी है. अब साइट्रोलिन क्या करेगा? ये एड अपने आप को रिएक्ट करने के पहले इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ एस्पार्टेट. मैंने बोला था आपको कि दो आप यहाँ पे एक आपकी MH4 से अमोनिया आ रही है एंड द अदर वन इज कमिंग फ्रॉम एस्पार्टेट. तो एस्पार्टेट यहाँ एंटर करेगी साइकिल में, साइट्रोलिन के साथ वो एड होगी और एक एंजाइम यहाँ आएगा. दैट एंजाइम इज योर साइटोसोलिक एंजाइम. नंबर आपका नंबर 1 एंजाइम जो साइटोसोल दे रहा है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेस वन. ये एंजाइम जो है आपकी साइट्रोलिन और एस्पार्टेट को कन्वर्ट करेगी इनटू आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड. ठीक है, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड. बट ये कन्वर्जन के लिए मुझे फिर से ATP की जरूरत पड़ जाएगी. तो यहाँ पे आपकी एक ही ATP यूटिलाइज हो रही है जो हाइड्रोलाइज हो जाएगी इनटू ATP. तो कितनी ATP हुई? 2 यहाँ पे थी, यहाँ पे 1 हुई, 3 ATP यूटिलाइज हो गया. बस यही 2 स्टेप में आपकी ATP की जरूरत होती है. तो आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट 2 ATP कब यूज हुआ था. तो आपको बोलना पड़ेगा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोमोइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हुई थी तब हमें 2 ATP लगा था, और साइट्रोलिन जो आपकी आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था उसके लिए भी मुझे 1 ATP की जरूरत पड़ी थी हमारी बॉडी को, राइट, हर एक साइकिल में. तो इस तरह से 3 आपकी ATP यूटिलाइजेशन हो चुकी है. ये जो ब्लू कलर से मैं जितने भी एंजाइम लिखूंगी वो आपके साइटोप्लाज्म की एंजाइम होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया को तो मैंने ऑलरेडी रेड कलर से लिख ही दिया है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज. तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 एंजाइम आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है और बाकी के 3 जो है वो आपके साइटोसोल से आते हैं. तो साइटोसोल का हमने तो अभी तक 1 ही देखा है. अब देखते हैं बाकी का कहाँ से आया. लेट्स सी हियर कि अब इस आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का क्या होने वाला है. तो ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो आपका है इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ अनदर एंजाइम जो आपकी साइटोसोल की ही एंजाइम है नंबर 2. यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा विच इज कॉल्ड एज आर्जिनिनो सक्सिनेज. आर्जिनिनो
सक्सिनेज। ये जो आपकी एंजाइम है ये आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड को दो तरह से ब्रेक डाउन, दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। एक तो आर्जिनिन बनाने वाला है ये, ठीक है, आर्जिनिन बनाएगा, और दूसरा ये बनाएगा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट, लेकिन ये फ्यूमरेट आपकी यूरिया साइकिल का पार्ट नहीं है, इट इज गोइंग टू एंटर योर क्रेब्स साइकिल। आई होप यू हैव लर्नड अबाउट क्रेब्स साइकिल इन बॉटनी, आपने पढ़ा होगा, या इसको हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, TCA भी बोलते हैं। तो आपकी क्रेब्स साइकिल में ये एंटर हो जाएगा। कौन है ये? फ्यूमरेट। कहाँ से बना है? आर्जिनो सक्सिनिक एसिड। तभी तो मैंने बोला कि इसको क्रेब्स हेंसलेट साइकिल क्यों बोलते हैं। ये आपकी यूरिया साइकिल इस लाइक ये मैच होती है, एक जगह पे जाके जुड़ती है किसके साथ? क्रेब्स साइकिल के साथ, राइट। नाउ आर्जिनिन आपके पास बन चुका है। अब आर्जिनिन को हम कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम, एट दैट इज कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, ये थोड़ा सा छोटा एरो हो चुका है, जल्दी से मैं इस एरो को थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट में बनेंगी ये, लेकिन इसके लिए भी मुझे एक और थर्ड एंड द लास्ट एंजाइम ऑफ साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज दैट एंजाइम? आर्जिनिन। तो उसको आर्जिनेज यूज करेंगे उसके लिए हम, और ये आर्जिनेज इसको कन्वर्ट करेगा इनटू टू थिंग्स। नंबर वन इज नथिंग बट योर, सबसे पहला ऑर्निथिन बनाने वाला है ये, फिर से ऑर्निथिन, एंड द आर्जिनिन विल ब्रेक डाउन इनटू ऑर्निथिन एंड यूरिया। अब जाके बनी है ये आपकी यूरिया, जिसके लिए हम इतना इंतजार कर रहे थे। ये ऑर्निथिन फिर वापस माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगी, फिर से ये साइकिल में एंटर होगी, और इस तरह से ये साइकिल आपका चलता रहेगा। तो आपको पांच स्टेप दिखे, नंबर वन स्टेप, नंबर टू स्टेप, नंबर फोर स्टेप, यहाँ पे साइट्रुलिन जो कन्वर्ट हुई है, राइट, नंबर फाइव जो आपकी आर्जिनिन से, सॉरी नंबर फाइव दिस आर्जिनिन जो आपकी ऑर्निथिन में कन्वर्ट हुई है, राइट। इस तरह से आपकी तीन तरह की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपकी फाइव स्टेप में पूरा का पूरा जो यूरिया साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो यूरिया बना है आपका, है ना, ये यूरिया कहाँ पे बना है? हेपेटोसाइट में। इसको बाहर आना है, बाहर आके ये जाएगा कहाँ? इट इज नाउ गोइंग टू एंटर दिस यूरिया दैट हैज बीन फॉर्मड इन द हेपेटोसाइट, मतलब लिवर। तो इट वुड बी कैरिड आउट, कैरिड वाया हेपेटिक वेन, विच ब्लड वेसल लीव्स योर लिवर, लिवर से कौन सा ब्लड वेसल बाहर की तरफ आ रहा है? हेपेटिक वेन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट, लिवर से। तो वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ आपकी यूरिया को भी कैरी करेगा, राइट। सो इट इज कैरीड बाय अ हेपेटिक वेन टू योर हार्ट एंड देन फाइनली टू द किडनी नेफ्रॉन्स, टू हार्ट, है ना, हार्ट में वापस जाएगी एंड फाइनली फाइनली टू द किडनी नेफ्रॉन्स। तो इस तरह से वो नेफ्रॉन में बाद में जाएगी। कौन कैरी कर रहा है नेफ्रॉन में? रीनल आर्टरी कैरी कर रहा है इसको। आपको पता है ना कि सारी की सारी जो वेन है वो हार्ट में ही जा रही है, तो आपके हार्ट में ये यूरिया जा रहा है, डू यू अंडरस्टैंड। वहां से फिर हार्ट से वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो रीनल आर्टरी भी उसमें से एक है। तो अब वो यूरिया कहाँ चली गई है? आपकी रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से फिर वो आपके कहाँ पे आ रही है? किडनी में, ताकि वो फिल्टर आउट बॉडी से हो जाए, ठीक है। अब देखो, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है विच ऑफ द ब्लड वेसल इज कैरिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। तो कौन कैरी कर रहा है? ये हेपेटिक वेन कैरी कर रहा है, राइट, क्योंकि जहां बनी है मैन्युफैक्चर पॉइंट कौन सा? मैन्युफैक्चर पॉइंट इज योर लिवर। तो जिस ऑर्गेन में बनी है उस ऑर्गेन से कौन सा ब्लड वेसल बाहर आ रहा है? हेपेटिक वेन, तो वो सबसे ज्यादा यूरिया कैरी करेगा। उसके बाद किसका उसके बाद मॉडरेट अमाउंट किसमें होता है? रीनल आर्टरी में, और सबसे कम किसमें होगा? रीनल वेन में। सिंपल सी बात है, ये देखो, यहाँ सपोज आपकी ये रीनल आर्टरी है, कैन यू सी हियर, दिस इज द रीनल आर्टरी। तो दिस रीनल आर्टरी हियर, ये जो आपको दिख रही है, इट इज कैरिंग कैरिंग यूरिया, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यूरिया, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपकी हेपेटिक वेन में थी। तो यहाँ से आपकी यूरिया गई, यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियल बना, एफरेंट आर्टेरियल ने ग्लोमेरुलस बनाया जो हमने पढ़ा था, फिर इफरेंट आर्टेरियल बना, यूरिया अभी भी ब्लड में ही कैरी हो रही है, थोड़ी बहुत यहाँ आ गई थी, थोड़ी बहुत ब्लड में ही कैरी हो रही है, आपके पूरे के पूरे ब्लड में कैरी हो रही है, राइट। एंड वी ऑल नो कि बाद में ये जो आपका ब्लड वेसल है वो आपका रीनल वेन बन के बाहर आता है, तो रीनल वेन में आपका सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होगा, क्योंकि कुछ यूरिया तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया है ना, यहाँ से अंदर आ गया है, यहाँ से अंदर आ गया है, इस तरह से अंदर आ चुका है,
तो आपकी एक्सक्रीशन के लिए बन रही है, तो सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होंगी, रीनल वेन में होने वाली है, राइट। हेलो आलू, ठीक है। तो ये आपकी यूरिया साइकिल थी, जो चलो एक बार देख लेते हैं, जो मैंने बोला वही था कि नहीं। सो आई टोल्ड यू देयर इज वन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, व्हाट इज दैट एंजाइम कॉल्ड एज, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमोइलेज, जो मैंने वन पार्ट वन नंबर इसको दिया है, राइट, नंबर वन इसमें लेबल किया है। और तीन आपके साइटोसोलिक एंजाइम है, नंबर वन आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस, नंबर टू आर्जिनोसक्सिनेज जो आर्जिनिन बनाएगा, आर्जिनेज जो आर्जिनिन को ब्रेक डाउन करके ऑर्निथिन यूरिया बनाएगा, यूरिया फिर आपके हेपेटिक वेन में चला जाएगा। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअस होता है, ऑर्निथिन आपका फिर से रिसाइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा। सो दिस इज योर यूरिया साइकिल। जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है वही चीज़ यहाँ पे आपकी एक और डायग्रामेटिक वे में दिया हुआ है। आपको जो डायग्राम ईजी लगे आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ये वाला रेफर करो जिसमें मैंने सारे एंजाइम्स के नाम भी लिखे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पहला वाला पार्ट चल रहा है, राइट, और बाकी के पार्ट कहाँ पे चल रहे हैं, आपके हेपेटोसाइट के साइटोसोल में ही चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। नाउ लेट्स सी हियर, जो मैंने बोला वो सही था कि नहीं। आपकी अमोनिया जो बेस नाइट्रोजन है, आपकी मेटाबॉलिक वेस्ट, आपकी नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट से ये आया था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। द फर्स्ट एंजाइम एक्टेड इज कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस वन, मैंने आपको वही बताया अभी, राइट। कार्बोमोइल फॉस्फेट ने क्या बनाया, कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाया, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस ने बनाया कार्बोमोइल फॉस्फेट। ये आके आपकी यूरिया साइकिल में एंटर हो रहा है, डू यू सी इट हियर। यूरिया साइकिल का ये पार्ट नहीं है, इसीलिए इस फर्स्ट स्टेप को मैंने इसके पार्ट में नहीं लिया था, डू यू अंडरस्टैंड। ये आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट एंटर कर रहा है, CO2 एंड अमोनिया यूरिया साइकिल में नहीं एंटर कर रही है डायरेक्टली, गॉट इट। तो आपका यहाँ पे क्या समझ में आया, दिस इज नथिंग बट योर कार्बोमोइल फॉस्फेट जो एंटर हुआ है, ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही थी ऑफ द लिवर से, फिर आपकी कार्बोमोइल फॉस्फेट ने ऑर्निथिन के साथ मैच किया, राइट। ये आपकी ऑर्निथिन थी यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ऑर्निथिन के साथ इसने एड अप हुआ दोनों, और एक एंजाइम था जिन्होंने इन दोनों सब्सट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। व्हाट इज दैट एंजाइम, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ये भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम ही है। सो लेट मी राइट द माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम हियर, ठीक है। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइट। इसने फिर साइट्रुलिन बनाया, साइट्रुलिन अब बाहर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से, कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में, राइट। साइट्रुलिन ने फिर क्या, इसके साथ आपका एस्पार्टेट जुड़ गया, तो साइट्रुलिन एंड एस्पार्टेट ये दोनों सब्सट्रेट को एक प्रोडक्ट में किसने कन्वर्ट किया है, आर्जिनिनोसिंथेसिस ने। ये आर्जिनिनोसिंथेसिस, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेसिस क्या है, ये साइटोसोलिक एंजाइम। देखो आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेसिस मतलब इसने आर्जिनोसक्सिनेट को बनाया, कौन है आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, बन गया आपका प्रोडक्ट। अब आर्जिनोसक्सिनेट क्या की करेगा, ये फिर से एक और एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, ये सब्सट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या है, एक और साइटोसोलिक एंजाइम है। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक आपको फ्यूमरेट मिला, एक आपको आर्जिनिन मिला। फ्यूमरेट आपकी क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्जिनिनोसक्सिनेस लाइस या आर्जिनिनोसक्सिनेस भी बोल सकती हूँ, ये तोड़ेगा, लाइस का मतलब क्या, तोड़ना, है ना, ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, किसको, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड को। इसको ब्रेक डाउन किया फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन में, फ्यूमरेट क्रेब्स साइकिल में चला गया, फ्यूमरेट क्या करेगा, आर्जिनिन क्या करेगा, आर्जिनिन में अब आर्जिनेस रिएक्ट करने वाला है, इसका एंजाइम है, और आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक यूरिया एंड द अदर वन इज ऑर्निथिन। ऑर्निथिन तो वापस फिर से साइकिल में एंटर हो गया और ये साइकिल कंटिन्यूस चलेगा, लेकिन यूरिया कहाँ पे आया, थ्रू ब्लड स्ट्रीम आपकी किडनी में आया। किस तरह से आया, सबसे पहले ये आया आपकी हेपेटिक वेन में, जो मैंने आपको समझाया था कि हेपेटिक वेन में आएगा, लीवर के बाहर तो हेपेटिक वेन ही आती है ना, हेपेटिक वेन से ये आपकी वीना केवा में ऐड होगी। सारी वेन्स वी नो दे ऐड अप टू वीना केवा एंड दे आर ट्रैवल्ड वेयर, दे आर ट्रैवल्ड टू हार्ट, आपके हार्ट में ये चली गई है। हार्ट से फिर ये कहाँ आएगा, आपके एओटा के थ्रू, फिर एओटा की ब्रांचिंग होगी इनटू रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी से वो कहाँ पे आएगा, रीनल आर्टरी से आपके वो किडनी में आने वाला है। किडनी में कुछ यूरिया तो आपने एक्सक्रीट कर दिया, लेकिन हम पार्शियल एक्सक्रीशन करते हैं, थोड़ा बहुत यूरिया हम अपने बॉडी में रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, वी रिटेन, लेट मी राइट दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पूछा जाता है। सो योर ह्यूमन बॉडी या मैमल्स जो है हम लोग, ह्यूमन बॉडी retains a small amount of urea in blood or body to maintain osmolarity
ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा बहुत यूरिया रख लेते हैं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत यूरिया तो हमने रख लिया, लेकिन थोड़ा बहुत निकल गया, राइट। तो निकलने के बाद किडनी से कौन सा ब्लड वेसल बाहर आ रहा है? रीनल वेन। तो रीनल वेन में फिर आपको यूरिया दिखेगा, ये आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। लेकिन आपके बॉडी में हमेशा 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज पर डे आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, थोड़ी बहुत ब्लड में रह जाती है। अगर इससे ज़्यादा रही, दैट इज फॉर एग्जाम्पल टू से इफ द यू नो इफ द अमाउंट ऑफ यूरिया इज मोर देन एवरेज इन ब्लड आपके ब्लड में अगर यूरिया का लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया एवरेज से ज्यादा, दैट इज नथिंग बट वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, आप इसको बोल सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस कंडीशन एज? दिस इज कॉल्ड एज यूरेमिया। देखो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, आपको जैसे यूरेमिया मिल गया तो आपको पहला वर्ड डिवाइड करना, यूरे मतलब यूरिया किस में है, एमिया मतलब ब्लड, ब्लड में है यूरिया, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग यूरिया, एमिया मतलब क्या होता है, इन ब्लड, ठीक है। हाँ जी, ओके। हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया प्रोपोर्शन होता है, हाँ जी बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, लेट्स सी हियर, इफ, जस्ट अ सेकेंड, इफ ब्लड ट्रेसेस आर फाउंड इन एक्सक्रीटेड यूरिया, मतलब यूरिन में अगर आपको ब्लड मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटेड यूरिया, दैट इज योर यूरिन में अगर आपको ब्लड के ट्रेसेस मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज हिमैट्यूरिया, ओके। तो इसमें फिर से आप डिवाइड कर लो, इसको तोड़ लो वर्ड को, हिमैट्यूरिया का मतलब क्या, हीम मतलब क्या होता है, ब्लड किस में है, ब्लड इन यूरिया और इन यूरिन, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, यही चीज आपकी पूरी साइकिल में समझाई गई है। अब ये जो आपकी यूरिया है, इट इज ऑफकोर्स इट्स अ नाइट्रोजनस वेस्ट, इसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ, यू कैन सी आपकी क्या है यहाँ पे, इट इज बाय समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बामाइड, इसको कार्बामाइड भी बोलते हैं अदर नेम। सो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ केमिकल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपको दिख रही है, एक दो NH2 इसके साथ अटैच है। सो दिस इज एन अमाइड दैट हैज टू NH2 ग्रुप जॉइंट बाई अ कार्बोनिल फंक्शनल, कार्बोनिल क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप के साथ ही अटैच्ड है। सो यू कैन सी द यूरिया स्ट्रक्चर हियर। सो नाइट्रोजनस वेस्ट तो ये है ही, यूरिया सर्व एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बाय एनिमल्स एंड इज द मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस इन यूरिन ऑफ मैमल्स, मोस्टली मैमल्स में आपको सारे के सारे जो मैमल्स है वो आपकी यूरियोटेनिक ही है। तो यूरिया दिखता कैसे, आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर, ओके। यस, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किडनी फेलियर, नो हर्षल, किडनी फेलियर की वजह से यूरेमिया होता है, राइट, बिकॉज द किडनी इज अनेबल टू फिल्टर यूरिया, दैट्स व्हाई योर यूरिया इज एक्युमुलेटेड इन द ब्लड, राइट, ओके। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया हियर। सो यू कैन सी कि इट इज अ कलरलेस ओडरलेस सॉलिड, सो इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ, आई होप यू नो टैपियोका सीड्स, आपको पता है ना टैपियोका सीड्स ऑफ साबूदाना जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो ये साबूदाना सीड्स जैसा दिखता है, कैन यू सी इट हियर, छोटे छोटे वाइट कलर के सीड्स दिखते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होता है, दे आर मोस्टली ओडरलेस सॉलिड, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, राइट, एंड प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक, राइट, एंड व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट इज नीदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन, ठीक है, वो आपकी न्यूट्रल होती है जब वो डिजॉल्व होता है। Right now the body uses it in many processes, most notably nitrogen excretion. तो एक आपका process क्या यूरिया का, सिर्फ excretion ही नहीं है, और भी बहुत सारे इसके reasons है, क्या क्या इसके function, the liver forms it by combining two ammonia जो हमने अभी पढ़ा था, and urea is sometimes used as a fertilizer, as a source of nitrogen and is important raw material for the chemical industry. So let's see कि आपकी जो ये यूरिया है, how exactly it act as a fertilizer.
You know that in old times there was a kind of ritual that people used to go out for, you know, their urination and everything. Now it has been banned because it's been creating lots of waste. इसीलिए वो करना भी नहीं चाहिए. दैट्स अ वेरी रॉन्ग माल प्रैक्टिस. अगर आप बाहर जाके यूरिनेट कर रहे हो या डीफिकेट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप डीफिकेट करो, दैट इज़ हॉरिबल. नहीं करना चाहिए बिकॉज वो आपकी एनवायरनमेंट को अलग तरह से पॉल्यूट भी करती है. बट यूरिया इन अ प्रॉपर फॉर्म, इन अ यू नो इन अ एनी कोई कंटामिनेशन के अलावा अगर हमने यूरिया पाउडर यूज़ किया, दैट एक्ट एज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर. क्यों इट एक्ट एज अ फर्टिलाइजर? क्यों हम इसको खेतों में डाल सकते हैं, राइट? ये अलग यूरिया है, ठीक है? इसके प्यूरिफाइड फॉर्म है, नॉट द यूरिन दैट वी डू. वो भी आपकी यूरिया करती है एज अ फर्टिलाइजर वर्क, बट इट हैज मेनी 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 मोर कंटामिनेशन, राइट? नाउ सो मेनी सॉइल बैक्टीरिया पजेस एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज यूरियस. क्यों हम यूरिया को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं? क्योंकि जब आप यूरिया के पाउडर को ऐसे फैला देते हो ना खेतों में ऊपर, तो आपके खेतों के यहाँ पे सॉयल में कुछ तरह की बैक्टीरिया रहती है. वो आपकी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, इसको हम बोलते हैं यूरिएज. ये यूरिएज क्या करता है? इट कैटलाइजेस एंड कन्वर्जन ऑफ यूरिया टू अमोनिया. इसको अमोनिया में इमीडिएटली कन्वर्ट करता है, मतलब उल्टा प्रोसेस हो गया. हमने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया था, अभी वो प्रोसेस हमने देखा हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल में. यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और अमोनियम आयन. तो ये अमोनियम आयन या अमोनिया आपका जो है, एंड बाइकार्बोनेट आयन एज वेल, ठीक है? ऑब्वियसली आपको अभी फॉर्मूला तो पता चल ही गया था. फॉर्मूला क्या था आपके इसका? दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ योर यूरिया, राइट? दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, आपको अभी पता चला. इसको वो कन्वर्ट किस में कर देता है? इसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू अमोनियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन में, इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया. ये अमोनिया जो आपका है, इट यूज ये अमोनिया आपकी जो प्लांट्स इसको ले लेती है, इमीडिएटली इस प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेती है. सो दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाई रूट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना? एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड ग्रोथ मीडियम. ग्रोथ में ये हेल्प करता है. सो दिस यूरिया फर्टिलाइजर रैपिडली ट्रांसफॉर्म टू अमोनियम फॉर्म्स इन सॉइल्स, एंड अमोनियम एंड नाइट्रेट आर रेडिली एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स एंड आर डोमिनेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट ग्रोथ. तो ये डोमिनेंटली प्लांट्स यूज करते हैं फॉर नथिंग बट देयर ग्रोथ पर्पज. यूरिया इज ऑल्सो यूज इन मेनी मल्टी कॉम्पोनेंट सॉलिड फर्टिलाइजेशन फॉर्मुलेशन. अलग अलग फॉर्मूला में भी उसको बनाया जाता है और भेजा जाता है टू द फार्मर्स फॉर यू नो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स. यूरिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, जो मैंने आपको अभी बताया, एंड इज देयरफॉर ऑल्सो वेरी सूटेबल फॉर यूज इन फर्टिलाइजिंग सॉल्यूशन. स्प्रे में भी वो यूज किया जा सकता है. For fertilizer use, granules are preferred over prills because of their narrower particle size and distribution, which is an advantage for mechanical application. वो easily dissolve हो सकती है, तो उसका advantage ज़्यादा है, वो ज़्यादा fast absorb करेगी plant के through. तो you can see how exactly it looks urea के crystal. It looks like the tapioca seeds I told you, right? तो a person can easily confuse between a tapioca seed, क्या ये साबूदाना है या फिर ये आपका urea है, ठीक है? राइट. सो यूरिया इज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टू मेन क्लासेस ऑफ मटेरियल. मतलब आपकी केमिकल इंडस्ट्री में भी ये यूज किया जाता है. थोड़ी देर तक हमने फर्टिलाइजर कैसे यूज होता है वो हमने पढ़ा था. हाउ डज इट एक्ट लाइक अ फर्टिलाइजर? नाउ वी नीड टू सी कि वो आपकी केमिकल इंडस्ट्री में किस तरह से यूज होता है. सो यूरिया एज आई सेड इज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टू मेन क्लासेस ऑफ मटेरियल. वन इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स एंड यूरिया मेलानाइन फॉर्मेल्डिहाइड. और ये कहाँ यूज होता है? प्लाईवुड, मराइन प्लाईवुड में आपकी ये यूज होती है. कुछ मेडिकल यूजेस भी है आपके. कौन से मेडिकल यूजेस है? यूरिया कंटेनिंग क्रीम्स आर यूज एज टॉपिकल डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स टू प्रोमोट रिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन. क्योंकि आपकी टॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन होता है, पसीना आता है, तो डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट हो सकता है, स्किन बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो सकती है. तो आपकी ये क्या करती है, ये जो क्रीम है ये डर्मेटोलॉजिकली यूज की जाती है ताकि रिहाइड्रेट कर सके टॉपिकल कंडीशंस में, टॉपिकल रीजन्स में. Now, 40% is indicated for psoriasis वगैरह, जितने भी स्किन डिजीज है, psoriasis है, xerosis है, onychomycosis है, ichthyosis है, right? Eczema है, keratosis, keratoderma, corns, calluses, ये सारे जितने भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसके लिए यूरिया आपकी एज अ मेडिकल पर्पज यूज हो सकता है, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूरिया. कैसे आपकी यूरिया बनी थी मैं एक बार फिर से यूरिया साइकिल वाला वापस लाती हूँ, जहाँ पे मैंने बनाया हुआ डायग्राम. सो दिस इज यूरिया साइकिल हियर, जो मैंने आपको समझाया था. इसके थ्योरी पार्ट भी है, एक और डायग्रामेटिक फॉर्म भी है यहाँ पे, राइट? थ्योरी पार्ट भी है, राइट? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसका आपका पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा बिल्कुल. जो बना हुआ है वो शायद ना हो, क्योंकि वो मैंने अभी आपके सामने बनाया है.
राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूरिया हियर. सो लेट मी टेल यू दैट मेरा कल का क्लास कब है, कितने बजे है. तो पहला तो आपको टारगेट 2020 जो रिवीजन चल रहा है वो 9 बजे है ही. सो टुमारो वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ सर्क्यूलेशन चैप्टर का रिवीजन हम करने वाले हैं कल, राइट. उसके बाद आपका जो स्पेशल क्लास ऐप में होने वाला है उसका टाइमिंग क्या है, 4:30 PM. सो 4:30 PM को आई एम गोइंग टू टेक मॉक टेस्ट ऑन एनिमल किंगडम, ठीक है, क्योंकि हमने 12th के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, 11th के भी सारे चैप्टर्स हो गए हैं एक्सेप्ट आपकी एनिमल किंगडम बची हुई है, पेरी प्लैनेट अमेरिका ना जो कॉकरोच वाला चैप्टर है वो बचा हुआ है, प्लस आपका एक और चैप्टर बचा है दैट इज एनिमल टिश्यू. तो ये तीन चैप्टर के मॉक टेस्ट अभी 3 दिनों में खत्म हो जाएंगे. उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ताकि आप टारगेट 2020 के लिए प्रॉपर वे में प्रिपेयर हो जाओ. तो ये फ्री क्लासेस होगी आपकी बिल्कुल. लेकिन एक और बात आपको बता देती हूँ कि प्लस में भी मेरी कोर्स अभी शुरू होने वाली है. 14 सितंबर से मेरी कोर्स शुरू होगी, मंडे से, दैट इज द नेक्स्ट डे ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन, राइट. जो जो लोग आपके टारगेट 2022 के लिए प्रिपेयर करें या 2021 के लिए प्रिपेयर करें वो बिल्कुल इस प्लस कोर्सेज पे आ सकते हैं. तो आने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस में और इमीडिएटली यू कैन क्लिक ऑन प्लस का क्लासेस. तो प्लस आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए है, बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, बहुत ही अफोर्डेबल है. ये स्पेशल क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैं यूजुअली हमेशा 4:30 को लेती हूँ, राइट. सो आप प्लस पे क्लिक कीजिए, देन यू क्लिक ऑन नीट यूजी, देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन. वन यू टेक द सब्सक्रिप्शन, यू नो, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस. यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 1 year और 2 year. इफ यू आर टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 year, दैट वुड मीन दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट 2021. आपके पास 1 साल है. सो यू कैन पे अराउंड 2500 पर मंथ फॉर 1 whole year, दैट वुड बी अराउंड 27,000 टोटल अमाउंट. If you are appearing for 2022, you can go for this 24 months option, that is 2 years option. You have to pay 1500 per month, that would be around your 32,400 for whole 2 years. कोई भी आप प्लान ले लो, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन ईदर ऑफ द प्लान्स दैट यू आर चूजिंग फॉर, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल. यू कैन अवेल दिस 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट ओनली इफ यू अप्लाई दिस code, that is SWAGATA, Swagata. This is the code to get the discount. So please apply this code so that you can avail this 10% discount, right. So I'll meet you guys tomorrow at around 9 AM in the morning for NCERT series, and then again I'm going to meet you around 3 PM, kyunki kal 3 PM ko target 2021 है ना. मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ. देखिए 2020 का टाइमिंग अभी 9 AM ही हो गया है, हमेशा आपका 2021 का आपका टाइमिंग 3 PM है, और 2022 जो अभी हमने किया राइट 11th का, दैट इज योर 7 PM यही क्लास है. बीच में 4:30 PM को मेरी हमेशा क्लास आपके ऐप में ही होती है, राइट. प्लीज इसको एज अ रेफरल कोड आप यूज कीजिए फॉर टू गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, गाइस. ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो एट अराउंड